न्यायालय में विचाराधीन मामला रहने के बाद भी किया जा रहा है निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना देख रहा है न्याय की राह, अधूरे में अटके मकान के कार्य। हितग्राही रुकमा बाई को आवास बनाने से वंचित करने के लिए किया जा रहा है परेशान। लांजी, जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत सर्रा के ग्राम खंडवा में आपसी विवाद में प्रधानमंत्री आवास योजना मकान निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से रुक चुका है। हितग्राही रुकमा बाई विधवा है। ग्राम विकास खंड के मकान का कार्य अधूरे में लटका हुआ है। पूरा मामला यह है कि रुकमा बाई को वर्ष 2019 और 20 में प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन किया गया था तथा प्रथम किश्त की राशि 25,000 रुपये इनके खाते में जमा की गई थी, जिसका उपयोग हितग्राही द्वारा विलिप तैयार किया जा चुका है, जिस पर खंडवा निवासी किशन पिता फूल सिंह के द्वारा उक्त आवास भूमि पर निर्मित प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य पर न्यायालय प्रक्रिया से रोक लगा दिया गया है। जबकि रुकमा बाई के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है वह जगह शासकीय भूमि की है, जो कि गांव ठान शासकीय मद की भूमि अभिलेख में दर्ज बताई जा रही है, जिसका खसरा नंबर 60 और रकबा 0.214 में से है। और किशन दांदरे और रुकमा बाई इन दोनों के मकान के बीच से जो मेड़ छुटी हुई है वह वर्षों पुरानी मेड़ थी, जिससे पूर्व में ग्रामीणों का व इन मकान मालिकों का आना जाना लगा रहता था। और जिस भूमि पर रुकमा बाई के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है उस भूमि पर भी रुकमा बाई का कब्जा 70 वर्षों से चला आ रहा है और रुकमा बाई के द्वारा उसी स्थान पर झोपड़ी नुमा कच्चा मकान बनाकर गुजर बसर किया जा रहा था, परंतु किशन दांद्रे के द्वारा जबरन दबाव बनाकर रुकमा बाई एवं उनके भतीजे सीताराम ठाकरे से आए दिन वाद विवाद करते रहते हैं एवं हितग्राही को परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत रुकमा बाई के द्वारा पूर्व में 8 अप्रैल 2021 को किशन दांद्रे और लोकेश दांद्रे के खिलाफ धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत लांजी थाना पहुंचकर मामला पंजीबद्ध करवाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हम अपना पुराना मकान तोड़कर शासन की योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य कर रहे हैं। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की जा रही अवहेलना, किशन दांद्रे एवं रुकमा बाई के जमीनी विवाद को लेकर न्यायालय में इन मामलों का केस चल रहा है और जब तक माननीय न्यायालय उस जमीनी विवाद पर फैसला नहीं सुना देते तब तक दोनों ही पक्षकारों के निर्माण कार्य रुके हुए रहेंगे। परंतु देखा यह गया है कि किशन दांद्रे न्यायालय के नियमों को ताक में रखते हुए रुकमा बाई को डरा धमका कर उस स्थान पर जबरदस्ती कॉलम के गड्ढे खोदकर निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है, जो कि माननीय न्यायालय की अवहेलना है। MPCT 24 न्यूज एक्सप्रेस है लांजी से कैमरामैन बादल श्रीवास के साथ रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम। कहाँ के निवासी? मैं ग्राम खंडवा रहता हूँ। ये जमीन को लेकर के क्या मामला है पूरा सर? यह मामला यह है, जब रोड शुरू होते रोड बना हुआ है, धीरे सड़क के लगते हुए बिल्कुल रोड बनी हुई, इस रोड में वो दिए नहीं दिए, शासन से लिया नहीं लिया ये नहीं जान सकता मैं। जब हम नाप तौल करवाए और पीढ़ी से रुझान आ रहा है सर, ये रुझान हमारे आजा बाबा से चले आ रहा है। आज से 80-90 साल हो गए हमारे आजा बाबा को, जब से मेरे चाची शादी होके आई है मैं नहीं जानता, हमारे अब बड़े लोग जानते हैं, जब से यहाँ पर निवास रखते हैं। और PM आवास के तहत मकान आया, मकान हमने कंडीशन किया, कालम के गड्ढे भी तोड़े, कोई आपत्ति नहीं जताए। एक 3 फीट दीवार के बाद में सारी केस दायर किया कि यहाँ यहाँ तक है मेरी भूमि। किसने दायर किया केस? यह है किशन दांद्रे जी। अच्छा, तो उन्होंने सीमांकन कराया, सीमांकन में अराई का अरेब 10×38 वह इधर हमारी धान की स्तर पुणे वो दीवार है ईटे का, उससे 10 कड़ी नाप करके उन टेंडर में दिया वो। तो हमने बोले ये पीढ़ी पीढ़ी का चले आ रहा है, तब मैंने नक्शा खसरा निकाला, उसमें पता यह चला कि रोड में उनकी जमीन फंसी हुई है। तब मुझे समझ में आया कि लड़ाई कुछ बात की नहीं, हमें आपसी में लड़ाई हो रहे हैं, लेकिन ये जानने के प्रयास नहीं करते। बार बार मुझे पड़ताड़ित
चाची को फंसाने का काम करते हैं, मुझे मेरे बच्चे को फंसाने का काम करते हैं कि आप गड्ढा मत खोदो, आप ये अंदर के बनाओ, ऐसा ग्रामवासियों के सुझाव रहा। तो सर इस जानकारी को आपने सरपंच को संज्ञान में लाया? सरपंच के सरपंच को मैं तीनों मीटिंग में, सरपंच आया, कल भी आया था सरपंच, सरपंच साहब थे, गांव के जनता जनार्दन थी, सबके समक्ष बात बताई गई। तो आपने जब मकान प्रधानमंत्री आवास से बन रहा है तो पंचायत से जियो टेकिंग करने आए थे क्या यहाँ पर? हाँ जी, जियो टेकिंग का कागज़ है, काकी ये पुराना घर का भी जियो टेकिंग जो की है उसका भी कागज़ है मेरे पास में। तो आप क्या चाहते हैं? मकान बनना चाहिए, रहने का मकान नहीं है, वही रहने का मकान नहीं। 3 साल हो गया हमें परेशानी है। तो मकान कब से रुका हुआ है? मकान 3 साल हो गया, यानी 2019 में आया था तो आज 22 लग गया। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? मैंने SP को भी किया था, थाना प्रभारी को किया था, चौकी प्रभारी को किया था। क्या हुआ उसमें? उसमें मैं शायद नहीं था, चौकी से आए थे, ऐसे पुलिस वाले जिनने बोले मैं घर में नहीं था। अब क्या उन्हें बयान लिखे क्या लिखे, लेकिन चौकी में बार बार जो शिकायत दर्ज किया है मेरे पे, बार बार वहाँ बुला हुआ तो थाना चौकी प्रभारी बोले, आप बोले आपको बहुत परेशान किया जा रहा है बोले। सर मैंने बोला परेशानी मेरे को बहुत हो रहा है सर, मैंने बोला मुझे न्याय चाहिए, अन्याय हो रहा है मेरे चाची के साथ में, मेरे साथ में, क्योंकि चाची के कोई नहीं है, वो मुझे पुत्र बनाई है और मेरे पास उनके रख रखाव में कर रहा हूँ, बड़ा दुख होता है इस विषय में ऐसा करके वहाँ बोला। तो बोले ठीक है बेटा, बोले हो जाएगा आपका, आप टेंशन मत लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुन्नीलाल हाथे। किस पद पर है? मैं जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 22 से। अच्छा। मेरी धर्म पत्नी है सरपंच, ग्राम पंचायत सर। जैसा आपके ग्राम में अभी दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, तो क्या है ये मामला पूरा? मामला यह है कि सर कि आप आज 50-70-80 साल हो गया, वो भाई वहाँ पर निवास कर रही है। कौन भाई? रुकमा भाई। अच्छा। रुकमा भाई चैत्रा। हाँ। उनकी मकान वही थी, हम जब पैदा नहीं हुए तब से वो भाई वहाँ निवास कर रही है। धीरे 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 उनके पति का डेथ हो गई, उसके बाद में करीबन 2 साल बाद में PM आवास का मकान आया। अच्छा। हमने उनके मकान के लिए फिर उनके रिकॉर्ड बुलवाए, उनने कागजात जमा किए, पट्टा वगैरह पंचायत से हमने जो जारी किए थे प्लाट नंबर 18 का जी, ना तो हमने खसरा नंबर नहीं दर्शाया, हमको मालूम नहीं था। हाँ। तो हमने प्लाट नंबर 1 से लेकर के प्लाट नंबर 18 तक हमने उनको पट्टा जारी किए। अच्छा। उसी आधार पर उसने मकान का निर्माण की। अच्छा। जब मकान निर्माण करने तक की ऐसी कोई बात नहीं आई जी। जब इनका मकान तैयार हो गया उसके बाद में फिर किशन वगैरह ने फिर बात किए। किशन कौन है? किशन फूल सिंह, दूसरा पक्ष। हाँ, दूसरा पक्ष जी। तो फिर हम लोगों को बुलवाया वहाँ पर, फिर हम 2-4 गांव के पंच लोग, गांव का अध्यक्ष, यानी 10-20-50 लोग वहाँ पर गए और वास्तविक स्थिति हमने उनको बोले कि भैया देखो भाई की हम परम पीढ़ी से उनका निवास कर रही है, 70-80 साल से भाई उस जगह पर निवास कर रही है और मकान बना भी रही है तो अपने जमीन पर बना रही है। अब तुम अभी पटवारी ला करके नाप जो करा रहा हो अब तुम्हारा उसके अंदर भी निकल गया, अब इसको तो हम भी नहीं जानते। जो आपने प्लाट नंबर 18 बताया तो वो क्या रगबा नंबर था कि प्लाट नहीं, नहीं प्लाटी नंबर था वो। तो पटवारी के द्वारा उसको रगबा दर्शाया गया, क्या है सही है? अब ये मालूम नहीं हमको, अब क्या दर्शाया पटवारी, रगबा दर्शाया जब क्या दर्शाया इसके बारे नहीं। अगर पटवारी ने रगबा दर्शाया तो क्या वो सही है? वो दर्शाया है। हाँ, उसमें दर्शाया है कि रगबा 18, उसको प्लाट नंबर दर्शाना था। आप लोगों ने प्लाट नंबर किए थे ना 18 नंबर दिए थे, फिर हमने गाँव में फिर बैठक लगाई इन्हीं के माध्यम से, रुकमा भाई के माध्यम से। तो उन्होंने फिर बोले ठीक है, बोले अब मेरी मकान है, अब मेरे को तो मालूम नहीं था कि यहाँ तुम्हारी मकान है या तुम्हारी ज़मीन है, पर अब मैं पहले से रह रहे हूँ यहाँ पर और मेरे अंडर में अगर किसान तेरा ज़मीन आया भी है अगर 1-2 डिसमिल, तो उनका जो भतीजा है जो उनका पालन पोषण करता है सीताराम ठाकरे, तो इनका भी मकान आया सीताराम ठाकरे का भी और रुकमा भाई का, तो दोनों मिलकर के साथ में बना रहे। तो सीताराम ठाकरे का कहना आया कि अगर मान ले तेरा जो भी खर्चा हुआ होगा न्यायालय में केस लगाने में, तो हम अपने तरफ से समाज जो भी निर्णय करेगा हम उसमें तैयार हैं। तो हमने अपने तरफ से बोले कि ठीक है हम तुमको 50,000 रुपया उसको दिला देते हैं रुकमा भाई के माध्यम से किशन दांदरे को, और नहीं तो तेरे को अगर पैसा नहीं चाहिए तो तुम्हारी जमीन और उनकी जमीन लगी हुई है, अगर आप चाहोगे तो 2 डिसमिल में हमें 4 डिसमिल या 5 डिसमिल बोलोगे तो भी हम उसको जमीन दिलाएंगे, लेकिन आज मान लो वो लाखों रुपए बर्बाद कर दिया, फाउंडेशन बना के दीवार खड़े कर दिया, तो उसको बनाने दे। यानी रुकमा भाई उनकी हर शर्त मानने तैयार है। रुकमा भाई हर शर्त मानने तैयार है और आज भी कई बार हमने बोल रहे हैं, कल भी गए थे, कल भी उनको जब गड्ढा उड्ढा खोदे तो मैंने उनको बोला किशन को, मैं बोला देखो यहाँ न्यायालय मामला चल रहा है। हाँ। और अब इस न्यायालय के मामले में ये जमीन यहाँ से लगा हुआ है, ये मामला विवादित है, जब तक तुम्हारा निर्णय होगा नहीं तब तक इस जगह पर तुम गड्ढा मत खोदो। तो वो लोग बोले कि नहीं हम खोदेंगे, भले जो जैसे भी होगा हम देख लेंगे। अच्छा, जो न्यायालय में मामला लगा है भी इनका विचाराधीन है। हाँ, तो किशन के द्वारा जो क्या काम किया जा रहा है अभी, तो क्या न्याय उचित है? नहीं, वो तो गलत है ना, वो तो कोर्ट का अवेलना है, अवेलना है, कोर्ट का अवेलना है, ऐसी स्थिति में तो कोई गलत है ना वो।
अब तो हमने उसको कल रोके, अब उसके बाद में वो काम रोका है या नहीं रोका है, हमने मैं कल जाकर के वो गड्ढे पे जाकर के बताया, मैं बोले गड्ढे को छोड़ दे, यहाँ से एक हाथ हटाकर तू अपनी जमीन पे खोल, भले ही जमीन तो नाप में तेरी है पर हो सकता है अभी निर्णय हुआ नहीं है। तो जो भाई है क्या नाम उनका, रुकमा भाई कितने वर्षों से वहाँ पर रह रही है, 70-80 सालों के रुकमा भाई निवास करे, हमारे पैदा नहीं हुए जब से वहाँ निवास कर रही है। यानी ये ठाकरे ये जो है अपना किसान, इसके द्वारा जो गड्ढे का काम किया जा रहा है वो अनलीगल है। हाँ, वो अनलीगल है। ठीक, नाम है आपका जी, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो? खंडवा। ये मकान को लेकर के क्या परेशानी है? जी ये तो परेशानी है, 3 साल हुआ है। क्या परेशानी है? तो वही परेशानी। नाम है? कहाँ के निवासी? खंडवा। ये जो आपके द्वारा जो कालम गड्ढे खोदे गए मकान, किस योजना के तहत मकान बन रहा है आपका? ये इसका प्रधानमंत्री। तो ये जगह को लेकर के क्या झगड़े है जो कोर्ट में मामला चल रहा है? 2 साल हो गया चल रहा है। तो ये किस संबंध में है ये झगड़ा? हमारा डाप निकला उसके संबंध।